तनिषा इस पे बैठी है क्योंकि उसके ऊपर हम लोग को ड्राइंग करनी है। ये एक छोटा सा पैच रह गया था जिसपे पेंटिंग नहीं हुआ था, तो हम लोग सोचे कि इस पे हम लोग कुछ अपने से पेंटिंग कर देते हैं। तो अभी डिज़ाइन आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब ड्रॉ होगा कि हम लोग ये क्या करने वाले हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Manisha and you're watching this crazy. तो बहुत दिन से ये पेंडिंग था काम हम लोगों को, वो किचन का जो पर्टिकुलर जो छोटा सा स्पेस बचा हुआ है उस पर पेंटिंग नहीं हुई थी, तो हम लोग का ये था कि यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे, अपने से कुछ करेंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि तनिषा बैठी है उस पर कुछ ड्रॉ कर रही है, फिर हम लोग उसको पेंट करेंगे। पेंट मंगा लिया था, पेंट आए 3-4 दिन भी हो गए, लेकिन हम लोग भर भर के हम लोग को आलस आ रहा था। तो अभी तनिषा पेंट कर रही है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या है, बट हमको ऐसा लगता है कि जब आप देखोगे इतना तो समझ में आ गया होगा कि हिंदी में हम लोग कुछ लिख रहे हैं, और जिसने ज़्यादा दिमाग लगा लिया होगा तो अभी तक उसको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं। खैर, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एंड तक ये वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होने वाला है। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंट और यूनिक सा आइडिया है। किचन के स्लैब पे बैठ के कुछ नहीं, हाउ इज इट गोइंग and how much time it will take? हाँ, स्केच करने में ज़्यादा लगेगा। अब समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी भी बस roughly आइडिया मिलेगा, जब एक बार हो जाएगा पूरा तब एग्जैक्ट पता चलेगा कि लग कैसा रहा। अभी तो ये पता लग गया ना कि कर क्या रहे। तनिषा, व्हाट डू यू थिंक, कैसा लगेगा? तैयार हो गया है, अब इस पर कलरिंग स्टार्ट होगा। अजवाइन, इलायची, लौंग, जूनिपर, जायफल, दालचीनी, करी पत्ता, कोकम, खसखस, अनारदाना, मेथी, धनिया, सौंफ। आज ये तीसरे शिफ्ट में काम चालू हुआ है, हमको लग रहा है पूरा हो जाएगा। तनिषा ये आज 10 मिनट, ये हो गया है। अब ये जब सूख जाएगा तो इसमें रबड़ का कारीगरी करना पड़ेगा। वाला वर्ड हाँ साफ हो गया, सुपर वाला साफ करने लगा। गुड गुड, आई लाइक इट। ये देखो, ये देखो। ओके, तो जो फाइनल जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से, हम लोगों ने इसको साफ भी कर दिया, रबर से मिटा भी दिया। तो लेकिन हमारी दीवार जो थी वो पहले से थोड़ी सी गंदी थी, तो कहीं कहीं रह गया, लेकिन ये लग इस तरह से रहा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।